हेलो एवरीवन, सीरीज विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फाउंडेशन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 की कहानी को। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक जगह हैरी को देखते हैं जहां उसके पास सेल्वोर आती है। हैरी बोलता है कि तुम जल्दी उठ गई। सेल्वोर बोलती है कि मुझे बुरे सपने आ रहे थे इसलिए मैं जल्दी उठ गई। सेल्वोर यहाँ से आगे चली जाती है जहाँ तभी उसे एक बच्चा नजर आता है। वह भी सेल्वोर से यही पूछता है कि तुम जल्दी कैसे उठ गई, शायद तुम्हें बुरे सपने तंग करते होंगे। यह लड़का सेल्वोर को बोलता है कि मुझे पता है कि लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को पता होता है और हमें यह सब टेलम ने सिखाया है। तब यह लड़का सेल्वोर को बोलता है कि तुम मुझे छूकर देखो। सेल्वोर जब इस लड़के को छूकर देखती है तो सेल्वोर को एक पास्ट नजर आता है जो इस लड़के का होता है, जहाँ एम्पायर के लोगों ने इस लड़के के पेरेंट्स को मार दिया। साथ ही साथ उन्होंने इस लड़के का भी गला काट दिया था, लेकिन तब यह लड़का जिंदा था और इस लड़के को बचाने वाली टेलम थी। यह लड़का बताता है हम में से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को बचाने वाली टेलम ही है। तब यह लड़का सेल्वोर को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर सन्नाटा होता है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। यह लड़का बोलता है कि ये जितने भी लोग होते हैं ये एक दूसरे के साथ मन से बातें करते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं होती। तब बहुत सारे लोग सेल्वोर के पास आते हैं और सेल्वोर को छूते हैं। इससे सेल्वोर को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, या वो खुद की जान लेने वाले थे या वो मरने वाले थे, तब टेलम ने ही नहीं बचाया है। सेल्वोर यहाँ से टेलम के पास चली जाती है जहाँ पर हैरी और गेल पहले से ही होते हैं। हैरी यहाँ पर टेलम से बोलता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। टेलम बोलती है कि मेरे पास कोई सेना नहीं है, मैं तुम लोगों की मदद नहीं करूंगी। तब सेल्वोर बोलती है कि एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है जो गेल ने देखा है, क्योंकि गेल फ्यूचर को देख सकती है। टेलम को इस बात पर विश्वास नहीं होता और जब वह गेल को छूती है तो उसे भी फ्यूचर का विजन आता है। उसे पता चल जाता है कि गेल फ्यूचर देख सकती है, यानी फ्यूचर के अंदर तबाही होगी। इस चीज से टेलम घबरा जाती है। तब टेलम गेल को अपने साथ एक जगह लेकर जाती है और उसे पूछती है कि जो तुम्हारा फ्यूचर का विजन है क्या इसे सेल्वोर के बारे में पता है। तो गेल हाँ में जवाब देती है। टेलम बोलती है कि शायद यह कोई फ्यूचर का विजन नहीं है, यह मात्र एक आभास है, क्योंकि तुम्हारी सोच फिल्टर होकर तुम्हारे दिमाग में घूमती है और तुम्हें यह लगता है कि शायद यह फ्यूचर हो सकता है। जब तक तुम अपनी शक्तियों के काबिल नहीं हो जाती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह वास्तविक है या नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियों से अवगत करा सकती हूँ, मैंने यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सभी को भी सिखाया है। दूसरी तरफ हम पोरी और कॉन्स्टेंट को देखते हैं। ये लोग ट्रेंटो ग्रह के ऊपर पहुंच जाते हैं और उस ग्रह को दूर से देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यह ग्रह काफी खूबसूरत है। और कॉन्स्टेंट यहाँ पर पोली से पूछती है कि क्या सच में ट्रेंटोर इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। तो पोली मना करता है, कहता है यह सब बकवास है। बाद में ये दोनों ट्रेंटोर ग्रह में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ इनसे यहाँ आने का उद्देश्य पूछा जाता है। पोली और कॉन्स्टेंट बताते हैं कि हम दोनों यहाँ पर दूत बनकर आए हैं, तो इन्हें ट्रेंटोर ग्रह के अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। वहीं जब हैरी एक जगह बैठा होता है तब उसके पास सेल्वोर आती है। हैरी यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहा होता है और कहता है कि आज 2 शताब्दियों के बाद मेरी उंगलियाँ पानी को महसूस कर रही हैं। साथ ही बोलता है कि मुझे नहीं पता कि याना ने मुझे कैसे ठीक किया है, और कहता है कि मैंने गेल के साथ बुरा बर्ताव किया है लेकिन गेल ने मेरे साथ भी क्रूर व्यवहार किया है। रेस के साथ जो हुआ उसके लिए वह मुझे जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन मुझे सच में रेस और गेल के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता होता शायद कहानी कुछ और होती। तो सेल्वोर बोलती है कि इसका मतलब शायद रेस को सब कुछ पता था और पता होने के बावजूद भी उसने गेल के साथ रहना चुना। वही हम गेल को देखते हैं जो अपने शिप में होती है। तभी वहीं पर टेलम आ जाती है। गेल उसे पानी ऑफर करती है तो टेलम बोलती है कि हमारे ग्रह पर पानी बहुत है। तो गेल बोलती है कि हम वहीं से पानी लेकर आए हैं लेकिन हम बस यहाँ पर पानी को फिल्टर करते हैं। तो टेलम बोलती है कि शायद तुम लोग हम पर शक करते हो कि कहीं पानी में जहर ना हो। टेलम बोलती है कि हमारे पास भी जहाज है, हम बाहर जाते हैं और हमारे जैसे लोगों को लेकर आते हैं और उनकी मदद करते हैं। बाद में टेलम बोलती है कि मैं तुम्हारे दिमाग में जाना चाहती हूँ, और वह उसके ऊपर पानी गिरा देती है। और टेलम यहाँ पर गेल को बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारा दिमाग सच में मजबूत है, और टेलम गेल को अपनी बातों में लेती है और उसे मजबूर करती है कि गेल उसके ऊपर हमला करे, और गेल ऐसा ही करती है। गेल बोलती है कि तुमने यह सब कैसे किया। तो गेल यहाँ पर टेलम को दूर खड़े होकर ही धक्का दे देती है। टेलम बोलती है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारे दिमाग के अंदर अपार शक्तियां हैं, तुम हैरी का अनुसरण करना बंद कर दो, तुम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। और टेलम बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मेरे बच्चों की परवाह है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद उनका कोई नेतृत्व करे और इसके लिए मैं तुम्हें चुनती हूँ, प्लीज तुम मना मत करना और मेरे बच्चों की मदद करना। वहीं दूसरी तरफ हम होबर मेलो की शिप को देखते हैं, क्योंकि वह भी एक दूसरी जगह पर जा रहा होता है जहाँ हैरी सेल्डन ने उसे जाने के लिए भेजा होता है। तभी उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी शिप आ जाती है जो इसकी शिप से कई गुना बड़ी है, और वो लोग होबर मेलो को पकड़ लेते हैं। इनमें पकड़ने वाले स्पेसर्स होते हैं जो रोबोट की तरह दिखते हैं, और वो लोग यहाँ पर होबर मेलो से पूछते हैं कि तुम हमारे रास्ते में क्यों आए। हैरी और सेल्वोर भी एक जगह बैठे होते हैं। सेल्वोर यहाँ पर दूसरे हैरी सेल्डन के बारे में पूछती है जो वॉल्ट के अंदर है। हैरी बोलता है कि उसे मेरी योजनाओं के बारे में कुछ नहीं पता। सेल्वोर बोलती है कि वह आपसे ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। हैरी बताता है कि मुझे पहले वाले फाउंडेशन को एम्पायर के खिलाफ भड़काना होगा। तो सेल्वोर बोलती है कि यह काम तो वॉल्ट वाला हैरी भी कर सकता है, क्या उसे पता है कि आप मौजूद है। तब हैरी मना करता है। सेल्वोर बोलती है कि वॉल्ट और प्राइम रेडिएंट ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना।
और शायद ऐसा लगता है कि ये दोनों बातें भी करते हों। और पूछती है कि उस हैरी के पास प्राइम रेडिएंट कहाँ से आया, हालांकि प्राइम रेडिएंट तो एक ही है। तो हैरी बोलता है कि उसके पास असल में प्राइम रेडिएंट है नहीं, बस वह प्रतीत होता है। यह ऐसा ही होता है कि वस्तु एक ही हो और वो अलग अलग जगह पर दिखाई देगी, असली प्राइम रेडिएंट तो हमारे पास ही है। तब तक यहीं पर गैल और टेलमा आ जाती हैं। गैल यहाँ पर हैरी से बोलती है कि हम चाहते हैं कि दूसरा फाउंडेशन यहीं से शुरू हो और मैं उसका नेतृत्व करूँ, ऐसा मुझे टेलमा ने कहा है। तो हैरी बोलता है कि तुम इस औरत की बात पर विश्वास मत करो, यह तुम्हारे दिमाग में कुछ भी डाल सकती है। इसने तुमसे क्या मांग की है, क्या यह सेलोर को बचाएगी? तब यहाँ पर टेलमा हैरी सेल्डन को उसकी बहुत पुरानी बात याद दिलाती है। तो हैरी यहाँ पर बोलता है कि तुम मेरे दिमाग के साथ खेल रही हो और मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, और वह यहाँ से चला जाता है। सेल्वोर भी उसके पीछे पीछे जाती है और हैरी सेल्डन से पूछती है कि टेलमा क्या बता रही थी, उसने आपकी एक पुरानी बात बताई है, आखिर वह क्या चाहती है? तब यहाँ पर हैरी सेल्वोर से बोलता है कि तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, तुम प्राइम रेडिएंट की चिंता करो, वो अभी भी हमारी शिप में है और टेलमा उस प्राइम रेडिएंट के पीछे पड़ी है। तुम्हें किसी भी तरह उस प्राइम रेडिएंट को और गैल को, इन दोनों को बचाना होगा। वहीं कॉन्स्टेंट और पॉली इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों एक होटल के कमरे में आते हैं और ये दोनों यहाँ पर आकर बाहरी दुनिया का नजारा लेने लगते हैं। तभी यहीं पर एम्पायर के सैनिक आ जाते हैं और ये लोग पॉली को पकड़ लेते हैं। वही हम एम्पायर को देखते हैं जो बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा है और वह एक मूर्ति का अनावरण करता है और लोगों को बताता है कि मैं शादी करने वाला हूँ, मेरे अंदर भी एक दिल है जो आपकी तरह ही धड़कता है। और वह क्वीन सेरेथ को स्टेज पर बुलाता है। यहाँ पर क्वीन सेरेथ लोगों को बोलती है कि हम आपकी भलाई के लिए काम करेंगे, आपकी हर एक आवाज को सुना जाएगा। इस चीज से बाहर खड़ी भीड़ चिल्लाने लगती है और एम्पायर क्वीन सेरेथ को अपने साथ ले जाता है। वहीं हम सेल्वर को देखते हैं जो यहाँ से गैल के पास जाती है। गैल सेल्वर को बर्थडे विश करती है और कहती है कि मुझे पता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं सच में मैरी और अब्बास का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन दोनों ने मिलकर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी ये लोग बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि इनका जो स्पेस शिप है उसको हैरी यहाँ से उड़ाकर ले गया है। इस बात से ये दोनों चौंक जाते हैं और बाद में पता चलता है कि असली हैरी को टेलम ने पानी के अंदर बांधा हुआ है और उस शिप को उड़ाकर ले जाने वाला टेलम का ही आदमी था, ताकि गैल और सेल्वर को यह लगे कि हैरी वहाँ से भाग गया। यहाँ पर हैरी टेलम को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें वह प्राइम रेडिएंट चाहिए, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो टेलम यहाँ पर अपने एक आदमी को बोल देती है कि हैरी को तब तक तड़पाते रहो जब तक कि वह मर नहीं जाता। तभी हैरी को अपना पास्ट नजर आता है जहाँ वह छोटा बच्चा था। तभी वह कैलकुलेशन के अंदर बहुत माहिर था, जहाँ वह अपनी मॉम डैड के साथ था। तभी वहाँ पर बहुत सारे जानवर आते हैं और हैरी उन जानवरों के बीच में खड़ा हो जाता है, लेकिन ये जानवर हैरी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते और यहाँ से उड़कर दूसरे ग्रह पर चले जाते हैं। तो हैरी की मॉम उसे डांटती है, कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हैरी बोलता है कि मैंने कैलकुलेशन की है, वो अपने रास्ते से नहीं भटकते, वो बस एक दूसरे को फॉलो करते हैं और इसी वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी हैरी को उसका डैड आकर थप्पड़ मार देता है। इस तरह से हैरी बड़ा हो जाता है और वह एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने लगता है। तभी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक दिन याना नाम की एक लड़की आती है जो प्रोफेसर का काम करती है और वह बताती है कि मैं अब से हैरी के साथ मिलकर काम करूंगी। और इस तरह से हैरी और याना ये दोनों मिलकर काम करने लगते हैं और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। बाद में हैरी याना को प्राइम रेडिएंट दिखाता है और कहता है कि मैंने अपनी सारी थ्योरी इस प्राइम रेडिएंट के अंदर डाल दी है। याना इस चीज से खुश होती है। साथ ही याना यहाँ पर हैरी को एक लॉकेट देती है और कहती है कि यह तुमसे और मुझसे जुड़ा हुआ होगा। साथ ही बताती है कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। इस चीज से ये दोनों काफी खुश होते हैं। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगले दिन एक औरत आती है जो यहाँ की प्रोफेसर होती है और वह हैरी को बोलती है कि अगर तुम्हें अपना काम जारी रखना है तो तुम्हें ट्रेंटोर के अंदर स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जाना होगा, क्योंकि एम्पायर तुम्हारे काम को देखना चाहते हैं। तो हैरी मना कर देता है और कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरा वहाँ पर दम घुटेगा। तो यह प्रोफेसर बोलती है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो हमें तुम्हारे काम को यहीं पर रोकना होगा। इस चीज़ से हैरी दुखी होता है। याना हैरी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और याना यहाँ से अपने घर पर आ जाती है, लेकिन याना के पीछे पीछे उसकी एक प्रोफेसर आ जाती है जो याना को किडनैप कर लेती है। और बाद में यह प्रोफेसर हैरी को बोलती है कि याना मेरे पास है, तो मुझे प्राइम रेडिएंट दे दो, मैं याना को छोड़ दूंगी। हैरी इस प्रोफेसर को प्राइम रेडिएंट दे देता है, लेकिन वह इस प्रोफेसर को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है। लेकिन तभी इस प्रोफेसर को पता चलता है कि वह प्राइम रेडिएंट नहीं है, बल्कि वह पत्थर का टुकड़ा है। हैरी प्रोफेसर को एक जगह पर लेकर आता है और कहता है कि मुझे पता है कि याना मारी जा चुकी है, तुमने उसे मार दिया। प्रोफेसर कहती है कि नहीं, वो जिंदा है। हैरी अपना लोकेट दिखाते हुए कहता है कि वो मुझसे जुड़ी हुई थी, उसकी हार्ट बीट को मैं महसूस कर सकता था, लेकिन आज उसकी हार्ट बीट नहीं धड़क रही, वो प्रेग्नेंट थी, तुमने दो दो लोगों की जान ले ली। और वह यहाँ पर अपने अपने तीन चार रोबोट को छोड़ देता है और बाद में ये रोबोट अपने पीछे बहुत सारे जानवरों को लेकर आते हैं जो उड़ना जानते हैं। ये वही जानवर होते हैं जब बचपन में हैरी सेल्डन इनके बीचों बीच खड़ा हुआ था। और वह यहाँ पर प्रोफेसर को पकड़ लेता है और ये बहुत सारे जानवर हैरी की तरफ आते हैं, लेकिन हैरी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हैरी इस औरत को धक्का दे देता है और इन जानवरों के बीच में फेंक देता है, जिससे वह मारी जाती है। बाद में हैरी यहाँ से ट्रेंटोर ग्रह के ऊपर चला जाता है, जहाँ स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी के अंदर वह एक लाइब्रेरी को संभालने का काम करता है। इस तरह से यह कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हैरी अभी भी पानी के अंदर डूब रहा होता है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं होता और आखिरकार वह पानी में डूब जाता है।
और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर पूरा हो जाता है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात करते हैं और भी वेब सीरीज के साथ, तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।